हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी से क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर आपको पता है कि आपके इस लव रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इस वक्त आपके पार्टनर रोमांटिक थर्ड पार्टी से क्या बात करना चाहते हैं, ट्रू मैसेज देने इस वक्त इनके पार्टनर रोमांटिक थर्ड पार्टी से क्या बात करना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, इनको बताना चाहते हैं कि यस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है और जो कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा डिजर्व करती है। आपके पार्टनर इनको जो भी दे रहे हैं वो जैसे कि बहुत ज़्यादा कम है ऐसा इनको लगता है, और जो कि दिल से उनको बताना चाहते हैं कि हाँ तू बहुत अच्छा डिजर्व करती है, लेकिन जो कि मैं तुझे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कभी तुझे नहीं बता सकता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरे दिल में इमोशंस है लेकिन किसी और के लिए, इसी वजह से मैं तुझे देख नहीं पाता। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों कहीं और देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर इनको ध्यान दें, इनको जैसे कि इनकी तारीफ करें, इनके लुक की तारीफ करें, लेकिन आपके पार्टनर इनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, जो कि ये किसी और से प्यार करते हैं, कभी भी इनसे बताना नहीं चाहते। ये मतलब कैसे बताएं, इनको बताना आता भी नहीं है। तो जो कि इनसे यही बताना चाहते कि मैं कभी तुझे ये नहीं बता सकता कि मेरे दिल में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, और जो भी तेरे साथ मैं गलत कर रहा हूँ इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है। मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा सैड रहता हूँ, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता, ना तो मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ, ना तो मैं ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा सैडनेस में चला जाता है। तो मुझे हर रोज़ जैसे कि खुदकुशी करने का दिल करता है, क्योंकि वैसे भी मैं जीते जी मर चुका हूँ, मेरे प्यार से मुझे जुदा किया गया, और जो कि वो बातें मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। मुझे पता है मैंने तुझसे शादी करी है, और जो कि ये सारी बातें अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तेरे साथ बहुत गलत होगा। तू जो अपने आप को इम्प्रेस समझ रही है, लेकिन अगर मैं तुझे ऐसे गलत कुछ बता दूंगा, मेरे दिल में कोई और है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो शायद तेरा ये गुरूर चला जाए, शायद तू अपने आप को जैसे कि डीमोटिवेट कर दे, शायद तू अपने आप को कम समझने लगे कि मुझ में क्या कमी थी कि मेरा पार्टनर किसी और के पास जा रहा है, मुझे छोड़ के मेरा पार्टनर मेरे साथ रहते हुए मेरा नहीं है, और जो कि मेरे साथ होते हुए हमेशा किसी और के बारे में थिंक करता रहा। मुझे पता है तुझे बहुत बुरा लगेगा, और जो कि मैं तेरा ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं तोड़ना चाहता। मैं आज भी किसी और के पास जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, और जो कि मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। जो भी तेरे साथ होने वाला है गलत, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरे कर्मास गलत थे, मैंने कुछ गलत किया था, मैंने किसी का दिल तोड़ा था, किसी को रुलाया था, किसी को तेरे लिए छोड़ा था मेरे घर वालों के कहने पे। मैंने बहुत कोशिश की थी उस टाइम पे मेरे घर वालों को रोकने की कि ऐसा ना करे, मुझे मेरे प्यार के पास जाने दे, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती तुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि प्लीज़ तू कभी मुझे गलत मत समझ। एम्प्रेस, तू मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है, और जो कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुझे मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिले। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी ओर देखता नहीं हूँ, तुझे इग्नोर करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुझसे प्यार कर पाऊँगा। मुझे नहीं लगता, और जब जब मैं तुझसे बात करता हूँ पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा ही आ जाता है, मुझे झगड़ा ही करने का दिल करता है, और हम कभी अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, हमारे थॉट्स मैच नहीं होते, और जो कि बात करने के लिए मतलब बात कुछ और करनी होती है उसका मतलब कुछ और निकलता है, और हमारे झगड़े हो जाते हैं, फिर जो कि हम बातें नहीं करते एक दूसरे से, और जो कि दोनों को ऐसा तुझे लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, और मुझे लगता है कि तू मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं तो वैसे भी तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं कभी बताऊंगा नहीं तुझे, और इसी वजह से मैं तेरे से जैसे कि टाइम स्पेंड नहीं करता, तुझसे बात नहीं करता, और कहीं और जैसे कि बिजी रहता हूँ। तो ये समझ तू, मैं बहुत परेशान हूँ मेरी ज़िंदगी में, किसी ने मुझसे इतना प्यार किया, इतना अनकंडीशनल लव किया है, आज भी मैं उसके कर्जे से निकल नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों का बर्डन मुझ पर इतना है, मेरी फैमिली का, तुम्हारा, कि इस बर्डन को छोड़ के मैं उसके पास जा भी नहीं सकता, मैं क्या करूँ तू ही बता। इस तरह के एनर्जीज है आपके पार्टनर इस वक्त इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वक्त इनके आपके लिए क्या फीलिंग्स है। गाइड करिए यूनिवर्स,
इस वक्त इनके पार्टनर की इनके लिए क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर स्ट्रॉन्गली टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ का मकर राशि, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है, सबके साइंस आ गए। वाह, तो हम देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, या आपके पास आने की जैसे कि ये थर्ड पार्टी को जो भी सुना रहे थे आपको यही बता रही कि मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इस रिश्ते को बैलेंस करूँगा, सोच समझकर सही डिसीजन लेकर तेरे पास आऊँगा, मैं तुझसे शादी करूँगा, जो भी मैंने तेरे साथ गलत किया है, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुझे छोड़ा, तुझे रुलाया, ये सब कुछ मैं अब ठीक करने वाला हूँ। भले इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इस वक्त मुझे सही टाइम नज़र नहीं आ रहा है तेरे पास आने का। जैसे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में है, उसको मैं कैसे निकालूँ, उसको मैं मतलब कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती है जो मैं इसके साथ करने वाला हूँ। लेकिन तू भी ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन तेरे साथ भी मैंने गलत किया है, तो जो कि मुझे तेरा बर्डन उतारना है, मैं बहुत जल्द तेरे पास आके मेरे दिल में जो बातें वो सब बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे इस थर्ड पार्टी का मैं क्या करूँ ये सोचने के लिए, उसके बाद जो कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा। इस तरह की एनर्जी है, इस वक्त आपसे यही बात करना चाहते हैं, इनकी यही फीलिंग्स है आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है इनके पार्टनर के लिए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका इनके ऊपर भरोसा रहा ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको दिल से पसंद करते हो, लेकिन जब जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी जंग के मैदान में खड़े हो। इस तरह से मतलब मेरे लिए जस्टिस 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 चाहिए चाहिए चाहिए, सामने से मना 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 किया जाता है, तो मैं करूँ क्या, तो इससे बेटर है चुप बैठो, कुछ मत बोलो, अपने दिल की बातें अपने दिल में रखो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। आपने जैसे कि अपने ज़बान पे ताला लगा दिया है, अपने इमोशंस आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, अपने पार्टनर के साथ आप कुछ भी, आप अपने पार्टनर को अपने दिल में जो भी बातें उसमें से एक भी बात बताना नहीं चाहते हो। इस तरह की एनर्जी से सब कुछ अपने दिल में आपने हाइड करके रखा है और चाहते हो कि जो इसके दिल में है पहले ये आके मुझे बताएं, तब जाके मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है। इस तरह की एनर्जी से, ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।